क्लास सिक्स इंग्लिश, मैं आर एस प्रसाद। आज आप लोगों को लेसन 12, हु हैज सीन द विंड, यानी हवा किसने देखी है। देखते हैं पहले इसकी वर्ड मीनिंग पे चलते हैं बच्चों, पहले क्या वर्ड मीनिंग है इसमें। तो ये वर्ड मीनिंग है आपकी, देखते हैं क्या इसमें दिया हुआ है। सबसे पहले है विंड। विंड मीन्स क्या होती है? बहती हुई हवा या पवन। ट्रम्बल मीन्स क्या होता है? ठंड या भय से कांपना। बो डाउन मतलब बो डाउन का होता है झुकना। हैंग मीन्स लटकना या लटकाना। पास मीन्स गुजरना। हेड मीन्स सिर। चलिए थोड़ी सी पोयम के बारे में देखते हैं क्या पोयम में दिया हुआ है। हु हैज सीन द विंड, हवा को किसने देखा है। नाइदर आई नॉर यू, ना तो मैंने और ना ही तुमने। बट When the leaves hang trembling, परंतु जब पंक्तियां कांपती हैं या हिलती हैं। The wind is passing through, हवा उनसे गुजर रही होती है। Who has seen the wind, हवा को किसने देखा है। Neither you nor I, ना तो तुमने ना ही मैंने। But when the trees bow down their heads, परंतु जब पेड़ अपना सिर झुकाते हैं। द विंड इज पासिंग बाई, हवा उनसे गुजर रही होती है। चलिए इंग्लिश में वर्ड मीनिंग देखिए। विंड मीन्स क्या होता है? एयर इन मोशन। ट्रेम्बल मीन्स क्या होता है? ये शेक फ्रॉम फियर और कोल्ड। और बो डाउन क्या होता है? बैंड होता है। चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों के हमें आंसर देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, हैज एनीवन सीन द विंड, क्या किसी ने हवा को देखा है। मतलब ये क्वेश्चन है आपका, क्या किसी ने हवा को देखा है। तो आंसर भी देना है बच्चों, तो आंसर आपको याद होना चाहिए इसमें। नन हैज सीन द विंड, हवा को किसी ने नहीं देखा है। मतलब क्या है ये, हवा को किसी ने ना हमने देखा है ना तुमने देखा है। पोयम में यही बताया गया है, क्योंकि हवा तो दिखती नहीं है, इसलिए हवा को ना तो हमने देखा है ना ही तुमने देखा है, लेकिन जब चलती है तो हमें महसूस होती है हवा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट है, पिक आउट द लाइन फ्रॉम द पोयम विच आंसर दीज क्वेश्चन। हमें पोयम में से ऐसी चीजें ढूंढनी है जो इसका आंसर देते हो, यानी कविता से उस पंक्ति को छांटिए जो इस प्रश्न का उत्तर है। उत्तर में वास्तव में वास्तव क्या है कि हवा तो दिखती नहीं, लेकिन उसके जो बहने से होता है वो हमें दिखता है। सो यहां देखते हैं आंसर में बच्चों, हु हैज सीन द विंड, हवा किसने देखी है। नाइदर आई नॉर यू, ना मैंने ना तुमने। तो यह हवा को किसने देखा है, और ना ही मैंने ना ही तुमने। चलिए आगे सेकेंड क्वेश्चन ले रहे हैं, व्हाट डू लीव डू व्हेन द विंड इज पासिंग थ्रू। जब हवा गुजरती है, पंक्तियां पत्तियां क्या करती हैं, पत्तियों के बारे में बताना है। तो बेचारे कांपने लगती हैं, तो यही आंसर होगा हमारा। आंसर क्या है? द लीव्स ट्रेम्बल व्हेन द विंड इज पासिंग थ्रू, मतलब हवा जब इसमें से गुजरती है तो पत्तियां कांपती हैं, यानी पत्तियां कांपती हैं जब हवा चलती है या उसमें से गुजरती है। ट्रेम्बलिंग मीन्स कांपना होता है। नेक्स्ट आता है हमारा एक और क्वेश्चन, आंसर देखते हैं इसका। ये है क्वेश्चन थर्ड इसका, हाउ डू यू नो द विंड इज पासिंग बाई, कैसे जाना भाई, आप कैसे जानते हैं कि हवा चल रही है, यानी आपने कैसे जाना कि हवा चल रही है। तो उसके द्वारा जो पत्ते हिल रहे होते हैं या पेड़ नीचे झुक रहे होते हैं उससे जानते हैं। तो आंसर हो गया इसका, व्हेन द लीव्स ट्रेम्बल एंड बो डाउन देयर हेड्स देन वी नो द विंड इज पासिंग बाय। इसका मतलब क्या है? जब पत्तियां हिलती हैं और अपना सिर झुकाती हैं, तब हम जानते हैं कि हवा चल रही है या बह रही है। वैसे तो हवा का पता नहीं चलता, क्योंकि हवा तो दिखती नहीं बेचारी, लेकिन जब हवा तेज चलती है तो उससे पत्तियां हिलती हैं और वो सिर झुका लेते हैं, पेड़ भी सिर झुका लेते हैं, उन सबको नीचे की ओर झुकने पर मजबूर कर देती है।
तो इसी का नाम है हवा। तो वही हवा वाला ये लेसन है। तो चलते हैं आगे, देखते हैं बच्चों जरा क्या हुआ इसमें। फोर्थ नंबर पे, विच सीम्स टू बी स्ट्रॉन्गर द विंड और ट्री, गिव रीजन फॉर योर आंसर। इसमें से बताना है कौन शक्तिशाली है, हवा या वृक्ष, अपने उत्तर का कारण भी बताना है। तो यहां दिया हुआ देखो, कौन ज्यादा शक्तिशाली लगता है, हवा या वृक्ष, अपने उत्तर के लिए कारण बताइए। तो चलो कारण बताओ, नोटिस लेते हैं बच्चों कैसे क्या हो रहा है इसके अंदर। तो आंसर है हमारे पास, द विंड सीम्स टू बी स्ट्रॉन्गर बिकॉज हवा हमें क्या है सबसे ज्यादा शक्तिशाली लगती है। व्हेन, क्योंकि व्हेन इट पासेस थ्रू द ट्री बोथ देयर हेड्स, क्योंकि जब ये इसमें से पास होती है तो पेड़ जो है अपना सिर झुका लेते हैं। तो यही इसमें दिया हुआ है, हवा ज्यादा शक्तिशाली लगती है क्योंकि जब यह वृक्ष के बीच से गुजरती है तो वे वृक्ष अपने सिर नीचे झुका लेते हैं। हर शक्तिशाली के आगे हर कोई सिर झुकाता ही है, तो झुकना ही इस चीज का दर्शा है कि बेचारा वो कमजोर है, यानी पेड़ कमजोर पड़ गया है और हवा मजबूत हो गई है। इससे क्या पता लगता है कि हवा बेचारी दिखती तो नहीं है लेकिन होती है, हर जगह विद्यमान हवा। तो हवा के लिए ही ये पोयम बनाई गई थी बच्चों। हर टाइम क्वेश्चन पूछते रहते हैं बच्चे, यहाँ हवा को हमने देखा है, तुमने देखा है, लेकिन हवा तो दिखती नहीं, फिर कैसे हम कहें कि हवा आ रही है या नहीं आ रही है। पंखे से जब हवा चलाते हैं तो हमें ठंडक महसूस होती है, तो हवा हमें पता लगती है कि हाँ हवा आ रही है, लेकिन जब हवा नहीं चलती है तो गर्मी लगती है, तब हमें पता चलता है हवा चल नहीं रही, भाई हो अब बहुत गर्मी लग गई है। तो इन सभी कारणों से लेकर के इसको लेसन को बनाया गया था और ये पोयम की फॉर्म में दिया हुआ है, आपको इसको याद करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट, उसके बाद तो बच्चों ये लगभग समाप्त हो रहा है, आपका लेसन समाप्त हो गया है। नीचे आपको एक लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा करके सब्सक्राइब करें। आप लोग कुछ अगर दे सकते हैं तो केवल सब्सक्राइब ही करके दे सकते हैं, जिससे मैं प्रेरित होकर के अपने वीडियो बनाता हूं और आप लोगों का इंतजार करता हूं कि बच्चे सब्सक्राइब करेंगे और मैं नए वीडियो बना करके दूंगा। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो बच्चे इसको लाइक करें आप लोग, और एक कमेंट सेक्शन भी यहाँ दिखाई देता है, इस कमेंट सेक्शन में कमेंट्स जरूर लिखें आप लोग, जैसा भी लगता हो, अच्छा लगता हो तो अच्छा लिखें, नहीं अच्छा लगता तो भी लिखें, लेकिन लिखें कमेंट सेक्शन में। उससे मेरे को तसल्ली मिलती है कि मैं जो वीडियो बना के भेज रहा हूँ वो कुछ हद तक तो कामयाब है और कुछ हद तक और आगे प्रयास करूंगा कि अच्छी वीडियो भी बना करके डालते रहूँ। कुछ कमियां रहा करें तो वीडियो में बताया भी करिए आप लोग, जिससे मैं अपने वीडियो को सुधारने का प्रयास करूंगा और ज्यादा से ज्यादा अच्छा बनाने की कोशिश करूंगा। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करिए बच्चों, जिससे कि ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और ये नीचे एक बेल आइकन भी दिखाई दे रहा है, इस बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके और आसानी से इस वीडियो को प्राप्त कर सको। और आप लोगों का इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आप लोगों का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आरएस प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ फिर से नई वीडियो में नई उमंग के साथ। तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।